10 मिनट का ध्यान हुआ हमेशा की तरह। पांचवें अध्याय में हम लोग है, धीरे धीरे चल रही है गाड़ी, आराम से चल रही है, मज़े से। 20वां श्लोक तक हम पहुँचे थे करीब करीब। यू ऑलवेज गो बैक एंड देन फॉरवर्ड। 20-21 हो सके तो आज 20-21-22 करते हैं। 20वां श्लोक अतिशय प्रिय, मैंने अगेन फिर से याद दिला दिया। 18, 19, 20, 21, 22, 23 श्लोक बड़े महाधुरंधर है। उनमें से जो जो 20वां था थोड़ा सा हल्का सा पिछली बार किया था। न प्ररुषेत प्रिय प्राप्यम, न उद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धिर असमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। 5th chapter 20th to 0 verse। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। फिर से संकेत है, भगवद गीता में पुरुष शब्द नहीं आया। इस भाषांतरकार ने पुरुष पुरुष का ये न समझे कि भगवान कह रहे ये खाली पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए नहीं है। और वैसे भी संस्कृत में पुरुष भगवान के लिए कहा है। एनीवे, जो पूर्ववासी है, पूर्व में जो है, अंदर में जो है, स्त्री का तो शरीर है, पुरुष का तो शरीर है। अपने आप को पुरुष, अपने आप को स्त्री माने तो सबसे पहले पहली विकेट, फर्स्ट ओवर के पहले बॉल में क्लीन बॉल हो गए, आए थे छक्के लगाने, इधर मनुष्य देह में आ गए थे। ये सबसे बड़े धुरंधार बल्लेबाज है, बैट्समैन, ग्रेट, दिस इज आवर एस बैट्समैन। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन है। बाकी ऐसे थोड़े हैं, कुत्ते बिल्ली है तो दो चार रन करेंगे, ये आ गया हमारा ह्यूमन बैट्समैन आ गया, ये लगाएगा सेंचुरी, और अब पहले ही गेंद में कल क्लीन बॉल होकर वापस चले गए। ऐसा ना हो अपने आप को पुरुष या स्त्री मान के क्लीन बॉल होकर भागना पड़े, जो शरीर माने तो। तो इतना ही संकेत नहीं है हमारा, इतना ही सिंबल, इतना खाली सिंबल पे ना लटके, खाली गूगल ओ आइकॉन की तरफ देख के कोई सर्च नहीं होगा, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, जो भी, खाली उस वो अपने कंप्यूटर में चित्र लगा के कुछ नहीं होगा, मेन सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। ऐसे ही मेन सॉफ्टवेयर है हमारे अंदर, वो उसकी ओर ध्यान दे। खाली ये स्त्री वाला आइकॉन, पुरुष वाला आइकॉन, इससे कुछ नहीं होगा। तो ये ट्रांसलेशन उस जमाने के जब होगा, उस समय पुरुष प्रधान समाज था इसलिए पुरुष कहा। अब ये बात भी मैंने पहले की, लेकिन जस्ट सो वी शुड डोंट गेट कन्फ्यूज, आगे चल के शायद भगवान ने सोचा होगा 5,000 साल बाद ऐसा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए 9वें अध्याय में कह दिया भगवान ने, ये पुरुष हो, स्त्री हो, चांडाल हो, ब्राह्मण हो, राजा हो, दरिद्र हो, ऐसे शब्द 9वें अध्याय के अंत में आते हैं। इनमें से सबके लिए आसान है, सबके लिए इक्वली अवेलेबल, एक्सेसिबल, पॉसिबल है। ये पुरुष स्त्री वाली कोई बात नहीं है। तो जस्ट नाउ दैट वी क्लैरिफाइड दैट देयर इज इक्वालिटी एंड इंक्लूजन हियर। न प्ररुषेत प्रिय प्राप्यम, न उद्वेजेत च प्रिय अप्राप्यम च अप्रियम। न प्ररुषेत, हर जो है हृदय में रह आता है, हर्ष में रह आता है, आह्लाददायक है, जॉयफुल, इट सजेस्ट जॉय, संस्कृत में जो रूट रस होता है। न प्ररुषेत, प्र इज प्रकाश, विशेष प्रकर्ष से विशेष, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। न प्ररुषेत च प्रिय प्राप्तम, नॉट कैरिंग टू एक्साइटेड, नॉट सैलिवेटिंग। वो कुत्ते के सामने हड्डी रखी तो उसकी जीभ बाहर निकलती, अपने आप बाहर निकलती और पानी टपकने लगता है, वो एकदम पानी टपकने लगता है। ऐसा जिसका न हो कि अच्छा ये पच, ये अपने पहचान वाले, ये अपना है, ये चाहिए, ये मिलना चाहिए, ऐसा होगा, अच्छा हो गया, ये हो गया। न प्ररुषेत च प्रिय प्राप्यम, लेकिन उल्टा भी नहीं, डांडा देख के भागे भी नहीं। न उद्विजेत च प्राप्य अप्रियम, प्रिय को प्राप्त होकर जो एक्साइटेड ना हो, और अप्रिय को प्राप्त होकर जो डिप्रेस ना हो, डिस्ट्रेस्ड ना हो, जो न्यूट्रल रह सके, प्रिय और अप्रिय दोनों से हम अलग है यह समझ सके,
मेरी कीमत नहीं बढ़ती कुछ, जो प्रिय है वो प्राप्त मिला तो हार पहनाया तो मेरी कीमत नहीं बढ़ गई। फूलों का हार पहनाया, गुलाब का हार पहनाया, कमल का हार पहनाया, मेरी कीमत और बढ़ गई नहीं। और चप्पल जूतों का हार डाला, इसको तो जूतों से मारो, ये गधा है तो इधर की बात उधर करता है, उससे मेरी कीमत कम नहीं हुई। शरीर का मनमान हुआ, सम्मान हुआ, मन ने जो सोचा, जिह्वा ने जो कहा, लेकिन जो वास्तविक में समझ गया ये पुरुष, मेरी कीमत कम घटती नहीं। लहर कितनी भी ऊपर हो नीचे जाओ, समुद्र कोई ऊपर नहीं गया नीचे नहीं गया। सी लेवल हम ये स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, सी लेवल एलिवेशन जो गिनते हैं, 1,000 फीट, 2,000 फीट, 3,000 फीट, 20,000 फीट हाई, फ्रॉम व्हाट, रिलेटिव टू व्हाट, सी लेवल कहते हैं, सारे संसार में ये मानते हैं ना, सी लेवल। सी लेवल कुछ से गिनते हैं कितने ऊंचा है। वाई? बिकॉज दैट नेवर चेंजेस, इट इज साइंस एक्सेप्ट इट, दैट इट इज जनरली स्पीकिंग द मोस्ट स्टैंडर्ड लेवल सेट, सी लेवल। तो उसमें लहरें तो आते जाती हैं, कितनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, सुनामी की भी लहरें आई, तब से सी लेवल का कोई मेजरमेंट नहीं बदला, फिर भी सी लेवल कहते हैं। वो लहरें कितने भी आए, बड़ी आए, छोटे आए, कैसे भी, लेकिन समुद्र नहीं उछल कूद करता। ऐसे जिसका चित्त है, वाइल देर आर एक्साइटिंग सर्कमस्टेंसेस अराउंड और एजिटेटिंग अनोइंग आज इर्द गिर्द बहुत चल रहा है, फिर भी जो अपने स्थिति से ना बैठे, सहनशील हो, और ये संभव है। और ऐसा जब होता है हमारे जीवन में तो हमें बहुत अच्छा लगता है, जब हम शांत रह सकते हैं, जब हम गंभीर हो सकते हैं, हम उसी से इम्प्रेस होते हैं। जाकर अपने अपने अनुभव में देखें किससे किससे इम्प्रेस हुए, कभी एक बार का ध्यान में बैठ के, हु हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मी, हु हैज़ इंस्पायर्ड मी, हु हैज़ इम्प्रेस्ड मी। अपने जीवन में कोई टीचर्स होंगे बचपन में, प्रोफेसर्स होंगे, कोई कलीग्स, कोई बॉस होगा, कोई मित्र होंगे, एक जनरली कैरेक्टर दिखाई देगा कि देर स्टेरी स्टेरी हैंडेड, वो एकदम डामाडोल नहीं हो जाते, एकदम बच्चों जैसा गेड़ी हो करके उछल कूद नहीं करने लगते, और एकदम क्रोधित नहीं हो जाते, देर स्टेरी इवन कील, समता में स्थित होते। वो अपने आप ही आकर्षक लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, इम्प्रेस होते हैं, इंस्पायर होते हैं। क्यों? इन्फ्लुएंस, इंस्पायर, इन, क्योंकि हमारा इन साइड जो है, हमारा वास्तविक स्वरूप जो है, उससे मिलता जुलता है। इसके समझे, वन वी सी लाइक हमारे जैसा तो वी ग्रेविटेट टॉवर्ड्स इट। वो गेंद को ऊपर फेंके तो गेंद नीचे क्यों आती है? उस गेंद में मास है, वजन है उसमें गेंद का, तो वो अपने से बड़ा जो भी वजन हो, एक्सेसिबल हो, उसकी ओर जाता है। पृथ्वी बड़ी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट? पृथ्वी में बहुत वजन है, मास है, मटेरियल, तो पृथ्वी से जो भी ऊपर फेंके, कितना भी ऊपर फेंके, तो वो नीचे गिरेगा, उसकी ओर आकर्षित होगा, आकर्षण होगा। गुरुत्व आकर्षण शक्ति कहते हैं, ग्रेविटी, बड़े पने, गुरुत्व मतलब बड़ा पना, बड़े पने का आकर्षण। तो हर वस्तु लॉज, फंडामेंटल लॉज है, मास कहे, ग्रेविटेशन कहे, अपने जैसे की ओर आकर्षित होती है। ये बात अलग है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, टेम्पररी होते वो, लेकिन तो ऐसे ही हमें अच्छा लगता है जो गंभीर हो, धीर हो, सहनशील हो, एंड्यूरिंग हो, ग्रिट हो जिसमें, बिकॉज हमारा मूल स्वभाव ऐसा है। तो न प्ररुषे च प्रिय प्राप्यम, न उद्विजित, उद्वेग में नहीं आता, एजिटेटेड नहीं होते, च अप्रियम, स्थिर बुद्धि, स्टेरी माइंड, ना स्टेरी ऑफ द इंटेलेक्ट, बीइंग एबल टू सी इट एज इज, असमूढ़, सम्मोह, सम्मोहिनी, हिप्नोटाइज, जो है वो नहीं, उल्टा का पुल्टा समझना, सम्मोह कहते हैं, असम्मूढ़ हो, जो जैसा है, सीइंग इट फॉर व्हाट इट इज एंड नॉट बीइंग डिल्यूडेड, भ्रम में जो न पड़े, भ्रमित जो न हो जाए, फिसल न जाए, इन्फ्लुएंस न हो जाए दूसरा कोई, और दो लोग उसको बुरा कह रहे तो अपन भी बुरा कहने लग गए, दो तीन चार लोग उसको उसकी बहुत निंदा कर रहे तो अपन भी निंदा करने लग जाए, हाँ में हाँ मिलाते, ऐसा जिसका न हो, समूह में ना असमूर, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, ऐसा ब्रह्मवेता, विद मतलब लाइटनिंग एंड इल्यूमिनेटिंग, विद शब्द जहाँ पर भी संस्कृत में आता है, इल्यूमिनेटिंग होता है, विद्युत कहते हैं बिजली को, बिकॉज इट इल्यूमिनेट्स,
वेद जो आता है वो उसी से आता है, एनलाइट इल्यूमिनेटिंग अ वेद नॉलेज लाइट ऑल ऑफ दैट. सो ब्रह्मविद मतलब ब्रह्मवेत्ता, द इल्यूमिनड वन, द नोअर ऑफ ब्रह्म. द नोअर ऑफ ब्रह्म मतलब कुछ बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ है, वेद जिस सब आ गए, बहुत संस्कृत के पंडित हैं, इन सब पी लिया इन्होंने सब कुछ. और 12 साल तो हाथ ऊपर करके खड़े रहे, झाड़ पे जा करके बैठे थे, वो तो खा पानी भी नहीं पीते थे. ऐसे कोई ब्रह्मविद वो जरूरी नहीं है, सिंपल बात है. गीता में सब सिंपल बात है, ऑनेस्टली उसको अगर एक्सेप्ट करें. अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि ब्रह्मविद बनने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है. ब्रह्मवेत्ता मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स, इम्पॉसिबल, इस जन्म में नहीं होगा, 10 100 जन्म की तपस्या के बाद होगा, ऐसा नहीं है. ब्रह्मवेत्ता जो सबसे बड़ा है उसको जानने वाला, ब्रह्म इज द बिगेस्ट. वो द बिगेस्ट विल हैव टू ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस. बिगर तो वही हो जाएगा, वो सब जगह है. बिगेस्ट वही होगा जो, ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती जहां पर वो नहीं है, नहीं तो फिर वो बिगेस्ट नहीं हो सकता. जो सब में है, सब समय है, सब जगह है, सब परिस्थिति में है, वो ब्रह्म, उसको जानने वाला. तो हम लोग जो कहते गॉड इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज गॉड, अथवा विश्व के अणु में, अणु 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 में व्याप्त हुआ विष्णु, रोम रोम में रमने वाला राम, कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, सबको पकड़ के जो रखे आकर्षण करके अपनी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मास से. इन अदर वर्ड भगवान को अगर मानते हैं तो जितने जितने सच्चे भक्त हम देखेंगे उनमें भी ये गुण दिखाई देता है. सच्चे भक्त ये हो सकता है, सच्चे भक्त का ऐसा भी जरूरी नहीं कि मंदिरों में हो गए अथवा किसी आश्रम में ही हो गए. अपनी नानी को याद करें, अपने दादाजी को याद करें, किसी के मामा, किसी के चाचा, हो सकता है वो एकदम स्थिर रहते थे, कोई यादें आएगी, अथवा अपना कोई बड़ा भाई हो कि नहीं, वो ऐसे बौखला नहीं जाते थे, खुद भी शांत रहते थे, औरों को भी शांत करते थे, दे रह सकते थे. तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत कंकॉक्टेड कुछ इधर है, ऐसा नहीं है, इस गृहस्थ में नहीं हो सकता, जंगल में जाना पड़ता है. एक्सक्लूडेड नहीं है हम लोग इसमें से, जस्ट बिकॉज वी आर मॉडर्न एज पीपल, जस्ट बिकॉज हम लोग संस्कृत नहीं जानते, जस्ट बिकॉज ऐसा है वैसा है, कलयुग के प्राणी हैं हम, अब हमारे लिए कहाँ भगवान, हम तो कुत्ते से बदतर है कलयुग के, ऐसा कुछ नहीं है भैया. और कलयुग के लिए विशेष कहाँ है, कलयुग में सबसे आसान का है, बिलीव इट और नॉट, शास्त्र में कलयुग में श्री हरि की प्राप्ति सबसे आसान की है, सत्य युग से भी प्राप्त से, और त्रेता युग से भी, द्वापर युग से, और खाली हरि नाम है वह केवलम, हरि नाम मात्र से इतनी आसानी से प्राप्त हो सकती है. तो अगर सिंपल माइंडेड हो, सीधा सीधा एक्सेप्ट करने की करता है, ओपन माइंडेड हो, और इफ़ यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट इट एज इज, देन इट कैन बी इजी. कॉम्प्लिकेटेड बनाना तो फिर बहुत, इसके एंड ही नहीं, कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है गीता, इतने हम परिभाषा नहीं कर सकते इतनी कॉम्प्लिकेटेड. लेकिन सिंपल कहे तो सिंपल भी हो सकती है. मैं कहता हूँ ना, उसको 2 घंटे में खड़ा करना था, बैठ गया था रथ में, रथम स्थापय मैं अच्युत करके, न युद्ध से थी गोविंद, आई एम नॉट फाइटिंग, आई एम गोइंग बैक. उसको तो 2 2.5 घंटे में कौन सा इंजेक्शन दे इसको, अभी फिर से खड़ा करे और फिर से युद्ध करे, इसके लिए तो बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें कर करके थोड़ी होने वाला था काम. तो सिंपल सिंपल जल्दी जल्दी समझने वाली बातें करके होगा. तो इस भावना से अगर हम इसको एक्सेप्ट करें तो पल्ले पड़ सकता है, एकदम स्लो डाउन, एकदम ओपन माइंडेड, एकदम एक्सेप्टिंग, तो जल्दी जल्दी अंदर आ सकता है. ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित ब्रह्मवेता जो सब में और फैला हुआ है, सब और व्याप्त है, इल्यूमिनेट बाय दैट, इल्यूमिनेट इन इट, वो ब्रह्म में ही स्थित है. अगर ब्रह्म सब और भगवान है तो मेरे में नहीं है क्या फिर? अच्छा फिर मैं किस में हूँ बैठा हूँ? सब और ब्रह्म है तो मैं इधर हवा में टंग रहा हूँ, तो इधर मैं भगवान में हूँ, भगवान मेरे में है. तो फिर अगर भगवान मेरे अंदर और बाहर है तो फॉर द मोस्ट पार्ट दैट इज भगवान है फिर. ब्रह्मणि स्थित, ब्रह्म में स्थित है, इस शब्द यहां पर जो है एक ही भाव से नित्य स्थित है. सो द ओनली चैलेंज इज ऑफ इंटेग्रिटी, अनकॉम्प्रोमाइजिंग अवेयरनेस. हम कितना ध्यान में रखते हैं इसको, कितना पकड़ के रखते हैं, और कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर देते, छूट छाट कर देते हैं.
ओनली चैलेंज सब ओनली मुसीबत इज कि हम कितना जल्दी आसानी से भूलने को बाजू रखने के लिए तैयार है अथवा नहीं, इसको साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, अपनी इंटेग्रिटी का प्रश्न है खाली, बाकी प्राप्त अप्राप्त है ही नहीं, तो प्राप्त क्या करना है? अप्राप्त कैसे है? भगवान भगवान अभी मिले नहीं, भगवान नहीं मिलते तो जला देते थे कब का, मुट्ठी भर राख हो जाती थी, भगवान कैसे नहीं मिले? भगवान में है हम, और हमारे अंदर भगवान है, भीतर बाहर भगवान है, अभी हमने पढ़ा सुना ध्यान किया तो भगवान मिले नहीं है कैसे? तो हम वो अवेयरनेस नहीं है। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, एक भगवद्गीता को अगर आसान बनाना हो जीवन में, बिल्कुल लाना हो अभी अभी, इट्स अ मैटर ऑफ अवेयरनेस। द मोर अवेयर वी आर द मोर इट इज आवर्स हेयर एंड नाउ, बी कॉन्शियस ऑफ इट। तो 21वें श्लोक में कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, अनदर फिनोमिनल फोर्सफुल, वेरी फोर्सफुल। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दत आत्मनि यत् सुखम सब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाह्य बाहर का, स्पर्श इज स्टिमुलस फीलिंग, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट, स्पर्श इज कॉन्टैक्ट, एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट, एक्सटर्नल स्टिमुलाय। सख्त होना मतलब डिपेंडेंट ऑन, कंपेल्ड बाय, इम्पेल्ड बाय, फुली डिपेंडेंट ऑन। असक्त इसके उल्टा, इनडिपेंडेंट ऑफ, नॉट डिपेंडिंग ऑन, उसके भरोसे नहीं है, उसकी कोई संबंध नहीं है। बाह्य स्पर्शेशु असक्त आत्मा, ऐसी आत्मा मतलब हम लोग आत्माएं हैं सब। आत्मा इसमें संस्कृत में आत मतलब अंदर होता है, और माँ मतलब संस्कृत में माँ, मेरे अपने लिए कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं बाह्य स्पर्शेशु ऐसी आत्मा जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुला है, नॉट डिपेंडेंट ऑन, बाहर से कोई सुख देगा, बाहर से खाने को मिलेगा, ओ कड़क बड़ा रसीला बनाया था, मीठा अच्छा था तो ज़्यादा पकौड़े ठीक हुए थे, वो कड़ी में कुछ कम ज़्यादा हो गया था, ये सब बाहर के स्पर्श की बात है। मुलायम है, सुरुखा सुखा है, स्पर्श बाहर के सुख की, ये तो गाना आज बराबर फिट नहीं हुआ, नहीं तो बहुत दांडिया में बहुत मज़ा आ गया, रास में ताकत धना दिन बड़ा चल रहा था, इनकी आवाज़ बहुत सुरीली है, इनको सुन के ऐसा होता है वैसा होता है, ये सुगंध, ये परफ्यूम, ये ब्रांड की अगरबत्ती, नहीं तो ये वीको टर्मरिक वाला, हल्दी वाला, चंदन वाला, ये सब कुछ, इधर वेकेशन उधर वेकेशन, ये घर में ऐसा शैंडलियर, ये रंग के फूल लगाएंगे, क्या नहीं, हजारों हजारों, सारा बाहर बाहर का स्पर्श, आप उसमें आसक्त, उससे शक्ति होती जा रही है। कल क्या खाए, परसों क्या लाए, किधर जाए, किसको अभी किसको फ़ोन करे, क्या बाहर 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 सब डिपेंडेंट हो गया, बंद गए, थोड़ा समय बाहर का कम हो गया तो बेचैनी हो गई, अभी क्या करे, बोर, अभी करना क्या है, किधर जाना है, कैसे, ये शक्ति हो गई, सख्त मजूरी कहते हैं ना, शक्ति मतलब जबरदस्ती, वो हिंटर मार के फोड़ने पड़ते पत्थर जेल में जा करके, सख्त सख्त मजूरी कहते हैं जेल में आती है, वो तो पत्थर देते रहे, हथौड़ा देते दिन भर, ये रोटी खाओ और फोड़, पत्थर फोड़ते बैठो, ऐसे जब उसको चॉइस ही नहीं है, ऐसा अपना अपने को मना लिया, अपने को चॉइस ही नहीं है, बाहर पर डिपेंडेंट, ऐसा जिसका न हो, असक्त हो, बाह्य स्पर्शेशु असक्तात्मा। तो ये अवेयरनेस की बात है, हम डिपेंडेंट नहीं है एक्चुअली इन रियलिटी, बाहर पर डिपेंडेंट, क्योंकि जो भी बाहर से अंदर जाता है तभी तो आनंद आता है, खाली बाहर का बाहर रहे तो आनंद नहीं आए, कितना भी मीठा बनाए, स्वादिष्ट बनाए, सब बनाए, इधर ही रखे, इधर तक नहीं आए तो, इधर रख के भी नहीं हो, पूरा अंदर जाए तो पूरा आनंद हो, जो भी सब अंदर जाके तो आनंद अंदर ही है, खाली उसको स्टर करते हम, बाहर का स्टरर से स्टर करते अंदर का आनंद। तो बिना स्टर किए हुए जो अपने आनंद को अनुभव कर सके, बाह्य स्पर्शेशु असक्त आत्मा विंदित, फिर से विंद शब्द आया, इल्यूमिन, विंदित आत्मनि यत् सुखम, द वन हु इज एबल टू एक्सपीरियंस, एबल टू सी इट, परसीव इट, फील इट, दैट द जॉय इज विद इन,
हाँ, मेरा आनंद मेरे भीतर ही है। बाहर से मिले न मिले, अच्छा मिले या बुरा मिले, सुख की परिस्थिति आए, दुख की परिस्थिति आए, फूलों का हार पहने, चप्पलों का हार पहने, प्रशंसा करे, गाली दे, उससे नहीं हो रहा। बाहर ओ आत्मनियत सुख, मेरा सुख मेरे, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग, तिल्ली में तेल चकमक में आग। तो मेरा सुख मेरे भीतर है, तो फिर एकदम भीख मांगना बंद हो जाए, डिपेंडेंसी बंद हो जाए, ऑल बैगिंग विल स्टॉप, ऑल दयनीय अवस्था न हो फिर कभी। विंदति आत्मनियत सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ऐसा ब्रह्म से मुला हुआ, ब्रह्म योग मतलब ब्रह्म से जुड़ा हुआ, योग मतलब यूनाइटेड विथ, बिकम वन विथ, एक हुआ, युक्त मतलब वेल्डेड टुगेदर, इतना पक्का हो गया आत्मा, ऐसी आत्मा मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसी स्त्री, ऐसा पुरुष, आइडेंटिफाइड, बिकम वन विथ, आइडेंटिफाइड विथ ऑल, ऐसी लहर पानी की जिसने एक बार उछलांग लगा के देख लिया हो, सारी हजारों लहरिया समुद्र मात्र हैं। ये अभी मैं तो अपने आप को लहर समान रही थी, छोटी सी बड़ी सी, धक्के देके अपने लिए स्पेस बना के बह रही थी। नेवर माइंड, सबके लिए जो जिसको जिधर बहना अपने, सब एक ही महाराज है, बस वो समुद्र महाराज ही है सब में, हम सब में, कोई चिंता के लिए स्थानीय जरूरी नहीं है। फिर वो लहर दिखाई तो लहर दे रही है, लेकिन वास्तव में समुद्र हो गई, क्योंकि उसके अंदर अपनी पहचान, बाहर वाले देखने वालों की पहचान लहर है, ये बड़ी लहर है, लंबी लहर है, छोटी, उसकी अपनी पहचान, सेल्फ आइडेंटिफाइंग समुद्र के साथ, जल जल रूप से सर्वत्र व्याप्त, हरि सर्वत्र। अभी जो हमने ध्यान के समय कहा था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मैं कौन कह रहा है? मैं मतलब शिव जी कह रहे हैं, हरि सर्वत्र व्याप्त जग जाना, जग में सर्वत्र व्याप्त है। अपने आप को मैं इतना मान लिया, इसलिए इतना हो गया, अपने आप को मैं छोटा छोड़ के सब में मैं, तो सब हो गया। ऐसे जो है ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वो ब्रह्म योगी हो गए, वो युक्त आत्मा हो गए, अपने छोटेपने को छोड़ के अपने भव्य दिव्य विशाल स्वरूप को अपना लिया, स्वीकार कर लिया, सब में स्वयं को देखा, अपने में सबको देखा, अपने में सपने को देखा, वैसे अपने में सबको देखा, सारे स्वप्न पात्र में मैं ही हूँ। सोना ने जान लिया कि ये ऐसे कोई नाक की नथनी और कान का ये, इससे मैं बड़ा हूँ, इससे छोटा, ऐसे नहीं, सबों में मैं हूँ, सोना रूप से, सुवर्ण रूप से। अभी इधर नाक पे लटका हुआ, इसलिए छोटी नहीं हो गई, अरे ना? तो स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, क्षय होना मतलब कैंसर, क्षय को क्षय कहते हैं संस्कृत में, क्षय मतलब कम 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 होते जाना, खत्म खत्म, फिनिशिंग फिनिशिंग फिनिशिंग। अक्षय ऐसे उसके उल्टा, जो कभी न खर्चा हो, कभी न खत्म हो, कभी कम ही ना हो, अक्षय सुख इधर आया, सुखम अक्षयम अश्नते, मतलब खाता है वो व्यक्ति, फिर वो पूरी पूरी तरह आप सुख को खा रहे, सुख का कंज्यूमर, सुख का भोक्ता, कैसा सुख, कभी कम न होने वाला, एवर इंक्रीजिंग जॉय, इफ दैट इज पॉसिबल, इफ इट इज इमेजिनेबल, एवर इंक्रीजिंग जॉय, दिने दिने नवम नवम नमामि मेघ सुंदरम, एवरी डे न्यू जॉय, एवरी डे मोर जॉय, दिस इज पॉसिबल, दिस स्टेट ऑफ माइंड इज पॉसिबल, इट्स रियल, इट्स नॉट फेबल्ड, एंड इट इज एक्सेसिबल, इट इज अवेलेबल। ये तो 5,000 10,000 साल पहले नहीं थी वो, द्रविड़ियों के लिए, आर्यों के लिए, इधर हमारे लिए भी है अवेलेबल। अगेन द क्वेश्चन इज ऑफ अवेयरनेस, हाउ मच एम आई कमिटेड टू इट, हाउ मच डू आई रिमेन अवेयर, वॉट एम आई विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज सो दैट आई डोंट लीव दिस, और डू आई कॉम्प्रोमाइज दिस सो दैट आई कैन हैव ऑल दैट, ऑल दैट के कोई एंड नहीं हो, तो क्षय रूप वाला सुख है। क्षय मतलब कम हो जाएगा, खाने पीने का सुख कम हो जाता है, न्यूज़पेपर पढ़ते दूसरे दिन वही वही न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते,
दूसरे दिन तीसरे दिन वही न्यूज़पेपर क्या पढ़ना है, हो गया क्षय, हो क्या क्यों हो गया, पैसे दे के लाया था, नहीं वो उसका हो गया, सब खत्म हो गया, दो दो घंटे में खत्म हो गया न्यूज़ पढ़ने का। जो भी बाहर से आया, जो भी बाहर से आया, खत्म हो गया थोड़ी देर में, के लिए लिया तो क्षय सुख था। वी आर हैव बिकम कंज्यूमर्स ऑफ एक्सटर्नल क्षय होने वाला सुख, डिग्रेडिंग उसके साथ, फिर हम आइडेंटिफाई हो रहे तो हम भी डिग्रेड हो रहे। फल पे जो कीड़ा बैठा है, फल को छोड़ने की इच्छा नहीं है, तो फल जब कभी ना कभी तो गिरेगा नीचे, तो उसको छोड़ना है तो उसके साथ वो भी गिरेगा। तो छोड़ देता था खाना अपना पेट भरने के बाद, छोड़ता था तो गिरता नहीं था। अच्छा गिर गया अभी तो छोड़ो, नहीं अभी भी नहीं छोड़ना है, तो वो तो फल धीरे धीरे अंदर में गड़ेगा जमीन में, तो उसके साथ कीड़े को भी गड़ना पड़ेगा। अभी भी तो छोड़ दो भैया, ना अभी भी नहीं छोड़ना, तो वो गड़ेगा तो उसके बाद वो सड़ेगा, उसके साथ उसको भी सड़ना पड़ेगा। तो क्योंकि बाहर के फल को पकड़ के रखा था, तो फर्स्ट क्लास लोग है इसको, ये मेरे शब्दों की कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, मैं अपने आप खुद ही बता देता हूँ सामने से, इसमें कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा विशेष लाभ। सच्चा लाभ फर्स्ट क्लास होगा अपने अंदर में माल जो है, इसको लेकर के अपन बैठ जाना खुद, अपनी अगरबत्ती लगा के दिया जला गया था ऐसे ही आसन डाल के, नहीं तो मस्त सोफा में अकेले, नहीं तो घूमते जाना बाहर, तब अपन खुद सोचना इस पर, तो एकदम चार चांद लग जाएंगे। ये तो ऐसे टाइम पास चल रहा है, तो बायस इसको इतना ऐसे छाती में गड़ जाए ये कि किसी के बाप से ना निकले ये वाला श्लोक बाहर, तो फिर काम बन गया। ऐसे मर जाए फिर मरना न होए, मरो मरो सब कहे, मरना जाने न कोए। एक बार ऐसा मरे यार, ऐसे खंजर लग जाए कलेजे में, फिर मरना न होए, अमर अमर हो जाए। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, अब आज से बिल्कुल छुट्टी बाहर के डिपेंडेंसी को, नहीं चाहिए, नहीं होगा उससे, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं चाहिए ऐसा भी नहीं, जो मिलेगा जैसा मिलेगा जब मिलेगा फर्स्ट क्लास है, जो नहीं मिला जितना मिला नहीं वो भी फर्स्ट क्लास है, सब फर्स्ट क्लास ही है, ये अगर ठान ले और अवेयर रहे उसमें, अडिग रहे, जो छोड़ना पड़े छोड़ दे, बिंदास छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, इसको न छोड़े तो सब अपने आप आ जाएंगे वापस, अब कुछ छोड़ने को खाली नहीं होगा, फिर चीज वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि ये सबसे आकर्षक है, इसकी ओर ही सब आकर्षित हो रहा है, क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये उस स्वरूप है। तो बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दित आत्मनि यत् सुखम सब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नते। एंड देन टुडेज लास्ट श्लोक, ये भी बड़ा मार्मिक श्लोक है, इट्स डिसाइसिव एंड इनसाइसिव। ये ही संस्पर्श जा भोगा, नंबर 22, दुख योनय एवते आद्यवंतु यंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। अर्जुन कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र अर्जुन, जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है, इसलिए अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। ये एकदम मार्मिक, एकदम आई ओपनिंग, एकदम रिवीलिंग, दिस रिप्स अपार्ट ऑल मिथ्स, मिथ बस्टर है श्लोक है ये ही, मतलब ऑल ऑफ एनी ऑफ दिस, क्या संस्पर्शजा भोगा, ये ही भोगा मतलब ऑल कंसम्पशन, भोग भोग इस क्या कंज्यूमिंग, संस्पर्शजा स्पर्श से मिलने वाले, स्पर्श मतलब खाली स्पर्श नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध एक्सटर्नल, बाहर से आने वाला जो भी कंसम्पशन है, बाहर का माल जो भी है, anything that is consumed that is achieved from the outside external, any object of consumption, any object of joy outside of me, outside of us, mind you, sharir bhi is outside of us,
अपना शरीर भी हमसे तो बाहर है ना, कभी भूले नहीं। अगर हम शरीर के अंदर है, इसका मतलब है आटा डिब्बे में है तो डिब्बा आटे के बाहर है ना, तो हम शरीर में तो शरीर हमारे बाहर है। तो जो भी बाहर से मिल रहा है, शरीर सुख जो मिल रहा है, स्पर्श सुख जो मिलता था, मिलता है, मिल सकता है, रूप देखने का सुख, आंखों से जो देखने का सुख मिल रहा है, नाक से, जिह्वा से, शरीर से मिल रहा है, वो भी तो खाली ऑब्जेक्ट्स नहीं, ये इतना चिपका हुआ लेकिन हमसे बाहर है। कपड़े जो पहने ये बाहर है, ये तो चिपक के लगे कपड़े लेकिन बाहर है। तो फिर इनसे मिलने वाला सुख, अंत में दुख, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते। योनि अर्थात बर्थ कनाल, जिधर से जन्म होता है बच्चे का, किसी भी बच्चे का, ह्यूमन नहीं, जो भी जन्मता है, कीड़ा मकोड़ा जो भी, तो ये दुख की योनि है, इधर से दुख ही जन्मेगा। कह रहे हैं इधर से ह्यूमन ही निकलेगा, गैया से गैया ही निकलेगी, ऐसे ये जो बाहर के जो सुख है, ये दुख की योनि है, इनमें से दुख ही निकलेगा अंत में। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते। और वो क्या, क्यों और कैसे, आदि व अंत, आद्य अंत वंत कौन्तेय, बिकॉज देयर स्टार्टिंग एंड देयर एंडिंग, कौन्तेय न तेषु रमत। इसलिए डोंट गेट अटैच टू इट, उसमें मत मन को लगा, उसमें मत फिसल जा, उसमें समय मत बर्बाद कर, उसमें ज़्यादा अपनी खोपड़ी को टेंशन नहीं देने की ज़रूरत है उसमें। वो तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, जितना जरूरी मिला मिल जाएगा, जितना मिलेगा उसमें ठीक है समझ लेना। उधर समय मत बर्बाद कर, अपनी सांसें मत उसमें गिना, उधर में मत खर्चा कर जीवन शक्ति को, लाइफ फोर्स, वाइटल फोर्स को। कितना भी राज्य मिलेगा, अथवा भीख मांग के भिक्षुक बन के योगी जोगी बनना बन जाएगा, जो भी वो चाहता है ना, अर्जुन छोड़ के जाना चाहता है, इट्स नॉट इन द एक्सटर्नल अर्जुन। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योन एवते। आदि व अंत वंत, आदि इज बिगिनिंग, अंत इज एंडिंग। आद्यवंत अंत कौन्तेय न तेषु, उनमें रमते न, रमता नहीं जोगी, जोगी तो रमता वाला इनमें नहीं रमता। न तेषु रमते बुधा, बुधा मतलब बोधिसत्व को, बुद्ध कहते हैं ना, बुध एनलाइटनमेंट, जान लिया, जिसको बोध प्राप्त हो गया, बुद्धि से जुड़ा है, जिसने बुद्धि का उपयोग कर लिया, खोपड़ी में प्रकाश हो गया, जिसके जिसको इंटेलेक्ट ने प्रोसेस कर लिया, वो फिर नहीं फंसता। बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो जन्मा है वो खत्म होगा। व्हाट हैज़ बिगन विल ऑल्सो एंड, व्हाट हैज़ स्टार्टेड विल फिनिश। अच्छा ये तो मान लेते थे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, 13th चैप्टर में इसको थोड़ा सा एलिसिट, थोड़ा ब्रॉडर भगवान ने अनपैक किया है, और ब्रॉडली जो जन्म है वो मरेगा, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन बीच में तो एंजॉय कर लो जब तक जीते हैं। नहीं जन्मा है और मरेगा, या माई टाइम इज ऑलमोस्ट अप। जन्म मृत्यु, जन्म से आया है तो मृत्यु होगा, लेकिन उसमें जरा भी होगी, मतलब कम भी हो, कमजोर होगा, बुढ़ा पाएगा। अच्छा ठीक है उतना मान लेते, नहीं लेकिन उसके बीच भी व्याधि भी आएगी, डिजीज्ड भी होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अच्छा वो भी मान लेते थे, नहीं लेकिन जो है उसमें फिर दुख बीच बीच में आएगा, उसको भी मान लेते, नहीं दुख भी आएगा और फिर उसमें दोष भी, फॉल्ट फॉल्टी भी होगा, इसलिए वो सब सड़ा गला ही है, जो भी मिला है, जब मिला तब से सड़ा गला ही माल है वो। हम उसको चमका चमका के, उसको चाट चुट के, उसको अच्छा मान के अपना रहे, इसलिए अदरवाइज वो जो मिला, जब मिला तब से सड़ा हुआ ही था, तो उसमें नहीं फंसना है। थोड़ा काम अपना बना के उससे छुट्टी करा लेनी है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम, विल स्टार्ट 23, वी विल प्रॉबेबली टेक वन स्टेप बैक एंड स्टार्ट विद नंबर 22। आई एम नॉट सेटिस्फाइड with 22 yet, so we'll start with that again and then we'll proceed with the 22-24 tak first class chalta ekdam, so then it's like landing down 24 se, then we're like landing down, so anyway, Jai Shri Krishna, Jai Gurudev.